अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए रहमान मलिक, अयान अली और उनके जेलर। क्या हाल है जनाब आपका? अच्छा, पहली बात ये जेलर इनका है, मेरा नहीं है। मेरा ना त्रा निकाले ना आप। सर आपका जेलर क्यों होने लगा? वो आप अंदर तो नहीं है फिलहाल। बात सुनो जेलर जी, तुम अयान की खातिर मदारत से तंग नहीं आए? नहीं जनाब, तंग का था मैं तो मजा आ रहा है, यकीन करो। ए जनाब, जो दी जेल चाहिए मेरी मल्ले बड़ी इज्जत हो गई है, हर बंदा मेनू सलूट मारता है, हर बंदा बोतल पूछता है। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी गर्दन पर जो टैटू है ये किसी माफिया का निशान लगता है, आपने ये क्यों बनवाया? बहुत से लोग मुझे मिलने के लिए आए लेकिन आप नहीं मिलने के लिए आए। आपने पूछा भी नहीं एक दफा। कॉमेडी ना करें, बताएं टैटू क्यों बनवाया? गर्दन मेरी, टैटू मेरा, पूछने वाला कोई कौन है? किन्ने पूछने मेरे को? ऐसे झगड़ा नहीं करना, पहले तड़ते बड़े केस ने। वे चुप कर वे, तू भी लो अयान हुण पहलवान बन गया जी। देखो मेरी गल सुनो, ये पैसे तड़े नहीं गए, अजे भी टाइम जे जिस बंदे दे ओदा नाम लै दियो, तुसी बच जाओगे। आप नाम क्यों नहीं लेती? क्यों परेशान है? क्या वजह, क्या रुकावट, क्या है आपके साथ, मसला क्या है? मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मुझे उनसे बात। क्यों आप उनको पुठी मते दे रहे हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है? देखें वो बड़ी सिचुएशन को देखकर वो बात करेंगी, बड़ी गंभीर सिचुएशन है। वालिद का कहना है कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो मैंने भी यही बताना है इसे, सिर्फ एक छोटी सी बात बताने के लिए मैंने इतना सफर किया दुबई से बेचारा यहाँ आया, कि ये टहल सेवा जो तुम्हारी है ना, ये सिर्फ सजा होने तक है। जिस दिन तुम्हें सजा होगी सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। वाकई ओदे वाल वेखी जानी हो जज, वैसे ही ओदा सिर जज दे थोड़े अर गया। तुसीं मेरे कोलों पुछो, अजे भी टाइम है, ना लै दिओ, सजा होगी तो फिर किसी ने नहीं बनना। ये उन वतन फरोशों का नाम ले दे, ये हीरोइन बन जाएगी। इस मुल्क में आखिर बाजमीर लोग जिंदा है, ये ना दसिया तो हीर बननी तो चर्स बन जाएंगी। अच्छा पूरी आप कहिए, पहली बात तो ये ताड़े को मसला है भाजी, की कर रहे हो? मैं ताड़े हमाम पांदने सारे। अच्छा जी, आपने कहा है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बड़े बड़े जद में आ जाएंगे, कौन है वो बड़े बड़े? मुझे क्या देख रहे हैं? मैं उनसे पूछ रहा हूँ। उधर देख रहे हैं, मुझे क्या देख रहे हैं जी? कौन मुझे है? आप इस तरह देख रहे हैं जिस तरह आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। आप बताइए, उनसे करें, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उनको जवाब दें आप। चले रहने दें, वो नहीं जवाब देना चाहती। वैसे आफताब साहब, तारीख कम ही ऐसा मौका देती है किसी को जो इस खातून के पास। बहुत बड़ा तारीख साज रोल प्ले करने वाला कर सकते। क्या तारीख अपने, साज अपने बात सुनो ओ बीबी, अपने नफा नुकसान से बाला होकर मुल्क और कौम की खातिर ऐलान करो, बात करो, बताओ कि ये पैसा किसका था, कौन पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा था। तुम सिर्फ इसमें इंस्ट्रूमेंटल हो रही थी अपनी बेखबरी की वजह से, लाइलमी की वजह से। आप क्यों इनको मोटिवेट कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि आप ना इस तरह के सेंसिटिव सवाल इनके साथ करें, आप इनके साथ कोई ड्रामों की बात करें, आप कोई कुकिंग की बात करें, क्या शौक से खाती हैं, क्या हॉबीज हैं इनकी, बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं, ये सवाल करें आप। आप अजीब गरीब किस्म के इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं आप? बोलो पायलट। खाती क्या है शौक से? बोलो दही बड़े। वो दही बड़े कहना चाहती हूँ, थोड़ी थती हैं। इसीलिए आपने इनका मीडिया पे कोई बयान नहीं देखा होगा। अयान जूस पीना ही। ये मामला जरा सेटल हो जाए फिर मैं आपकी पापा से मुलाकात भी करवाऊंगा। इनके पापा हमारे साथ लूप में हैं जी, मैंने उनको सिक्योरिटी की पूरी यकीन दानी कराई है। इन्हों के अबू जी यकीन करो, दिहाड़ी जी तीन तीन बारी आते ने, यह नहीं मिलती, मैं ही मिलना। मैं कहना अबू जी बैठो, अबू जी कुछ खाना जे, अबू जी बर्गर लिया तुम वास्ते, हूं तो यकीन करो ऐसा लगता मेरे अबू ने। अच्छा जी, आपको एक्टर कौन पसंद है? बोलो लाला सुधीर। लाला सुधीर हो गया। अच्छा जरदारी साहब भी चाइल्ड स्टार थे, पता ना आपको। देखिए बात लाला सुधीर की हो रही है, आप बात को किधर लेके जा रहे हैं? डोंट कंपेयर ऑरेंजेस विद मैंगोस। ऑरेंजेस विद एप्पल्स होता है। अच्छा चलो, जो भी होता है यार, क्या हो गया, कुछ ठीक भी होता है इस दुनिया में? फिर यार कॉफी हो जाए। अच्छा जियो तो कॉफी बड़ी अच्छी मिलती है थे। आप तो साहब यही पींदे ने। ये कॉफी पसंद नहीं करती जी, इन्हें मुरुंडा पसंद है। जेल साहब ने जितों भी कुछ खाना हो जाके मैं जेलर हां, रोटी है तेरे के दस खुसरे में डके ने उ जो मेरा दिल करता मैं नचाना उन्होंने। अच्छा जी, मैं ऑडियंस से सवाल लेने लगा। सवाल लेने भाई जनाब, पहले कोई खाने पीने वाली चीज ले लो।
जी मलिक साहब, ये बताएं, पिछले दिनों आपके बिलावल हाउस में दाखिल होने पर पाबंदी लग गई थी, वो क्या किस्सा था? देखिए, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ऐसी कंफ्यूजन हो गई थी। क्या कंफ्यूजन हो गई? वो इत्तफाकन जरदारी साहब का मोबाइल मेरी जेब में रह गया था जी। अच्छा, बस वो फिर मेरी एंट्री बंद कर दी उन्होंने। नहीं तो वो जो रह गया तो बरामद करवा लिया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, फिर तो इन्हों का भी काट लिया उन्होंने नाल। जी मेरा सवाल मलिक साहब से है, क्या आपने कभी पीपल पार्टी के मसाइल जो है उनको पेश? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आपका सवाल क्या, जो आपने सवाल पूछा कि पीपल्स पार्टी के जो मसाइल है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उन मसाइल को किस तरह से हल किया जाए, ये मैं सोच रहा हूँ। जी मलिक साहब, मॉडलिंग के शोबे में आपकी दिलचस्पी पहले से थी या अब बाकी हुई? मॉडलिंग का सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, इनसे करना चाहिए। भैया आप किस किस्म का सवाल कर रहे हैं? मैं मुसीबत में फंसी हुई हूँ और तेन अपना स्यापा पिया है वे कि मैं मॉडलिंग कर रही है कि नहीं कर रही, रैंप तो टुरनी पई है कि नहीं टुरनी पई, बस अपने सवाल अपने। मैं तू चुप कर वे जनाने, मैं जवाब पूरा नहीं देनी पई। लो जी अयान अली ओ पिया है। अयान बर्गर खाना ही नहीं भाई, नहीं चिप्स ले आवन तेरे लिए, जेलर काफी चीजें ले आया है, ओदियां वेख नहीं रहे। देखिए ये बहुत टेंस है, बताती नहीं है, ये इंट्रोवर्ट है, बहुत अंदर ही अंदर रखती है बात। यही हम उसे कह रहे हैं कि इंट्रोवर्ट ना बनो, एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। अयान अली एक ही हल है, एक नारा है मस्ताना बबांगे दोल, ऐलान कर दो कौन लोग है। ए जज्बाती बंदे फसा देने हुंदे ही। नारा है बदंग जरकम पकलकम इधरम शकलम। उसको हक सच में रहने दो, अपने रस्ते में ना लाओ। प्रोफेसर नाना पाटीकर अगर 500 साल नाना है ना, तो तेरे जैसा हो जाएगा। दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और जी जनाब। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बेटे तू गा रहे हैं, तेरी अगले जन्म च भी नहीं होनी। जी नसीर भाई, आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है वो कौन सी? जी पहले अख लड़ दी फिर दिल मिल दे, फिर हुंदे कॉल करा, लोकी कहंदे हो गया प्यार प्यार, पहले अख लड़ दी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਆੜੂ ਸਾਹਿਬ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਲਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਲਾ ਕਟਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਪਤੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦੋ ਪਿਆਲਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਯੇ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? जी आवाज है मैडम नूर जहां की, फिल्म का नाम है बशीरा। जी जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहां, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहां। अभी तीन माह की छुट्टियां थी, मैंने कहा था मरी चलेंगे, क्या हो गया? और जा कहां रहा है? मरी। मरी दसो तो मरी की बंदे नहीं जाते? मरी इतना रश है, इतना रश है। क्या सर रश है? तो मैं अन्ना, ये मेरी बसाखी है, को खो के लै जाएगा। सर मरी जाने रस्ते जेडे बांदर नहीं आंदे, ओना को छलियां खोंदा जी। मरी के रस्ते में कहां आते हैं यार? दामने को में होते हैं। बस वो उन्हें नहीं ना पता, गल कर देनी है। वो बांद्रा गली, डोंगा गली या असल है छांगला गली? ओ सर मेनू की पता बांद्रा गली के केड़ी है, मैं तो जिथे जिथे बर्फ पई सी मैं मरी समझदा रहा। अच्छा जी, बंदरों के हवाले से एक तस्हीह मैं कर दूं जी, के पिछले दिनों इंडिया से एक साहब ने हमें शो देखने के बाद फीडबैक दिया था कि इंडिया में बंदर का तमाशा होता है। हमने कहा था ना कि जी इंडिया में चूंकि जू के अंदर बंदर नहीं रखे जाते, बंदर का तमाशा नहीं होता, अब सब कुछ होता है क्योंकि बंदर इतने ज्यादा हो गए हैं, बंदर की वैल्यू खत्म हो गई। वो वैल्यू, और हमारे यहां भी आप ये जैसे उस दिन प्रोफेसर साहब सुना रहे थे दामने को में इस्लामाबाद के साथ,
देखें कितनी दीदा दलेरी है कि पोटैटो चिप्स छीन के ले जाते हैं, फिर छांगला गली में तो इंतहा कमरों के अंदर आ जाते हैं। अब कुछ लोगों ने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया बंदर को परेशान करने का। अच्छा जी, वो पैकेट्स ऐसे दे देते हैं उसे चिप्स के या कोई, वो खोलता है तो बीच में पटाखा होता है, तो वो इतना डरता है कि फिर अब पैकेट छीनने से पहले 10 दफा सोचता है। मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, ये प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइए। बांदर दी चीक निकल गई। चीक दी गल कर रहे हो, उन्हें गाल कड़ी हो। अपना प्रोफेसर बागी नी, इन्हें भी 4 पैकेट लाई, एक चिप्स दे नाल एक पटाके वाला ले लिया, वो चिप्स वाले उन्होंने दे दे पटाके वाला आप खोल लिया। बांदर दूर लो कह रहे तू और चूक जी। नसीर भाई, ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया, तलक महमूद ने भी गाया, फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर जी। छलकाए जा नाल दे डरन दे, आइए आपकी आंखों के नाम ओंठों के नाम। गाँवदा इस तरह जी वे पिक्चराइज होया। छलकाए जा पखे च भी आ दो तेरी जी। नसीर भाई, आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, मुसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। अच्छा नसीर भाई, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। असल में लक्ष्मी भी लक्ष्मी ही का एक मुतबादल है, तो आप ये लक्ष्मी चौक कहते हैं, लक्ष्मी चौक को लक्ष्मी चौक कहते हैं, क्योंकि पंजाबी में लक्ष्मी लक्ष्मी का एक वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आप लक्ष्मी का करें, लक्ष्मी कांत प्यारे लाल जी, लक्ष्मी चौक प्यारे लाल। ये असल में इसका मंबा भी संस्कृत है, संस्कृत में जो छे है, छे छे है की बनी छे नहीं होता जी, जी वो फारसी के काफ में कन्वर्ट हो जाता है, लक्ष्मी लक्ष्मी बंद, जब फारसी में लिखा जाएगा तो लक्ष्मी नहीं लिखा जाएगा, लक्ष्मी लिखा जाएगा। वाह, आज तुहाडे गाने ने जुबानों पे शुरू कराता जी। मैं फिर शुरू कर दूंगा सच में। ओ ना सर, मेहरबानी करो, बड़ी बड़ी मेहरबानी साडे वालों। नहीं, एक आध लफ्ज आज हो जाए सर, हो गया ना, लक्ष्मी की कीता है ये लफ्ज ने। पिछले हफ्ते हमने मेलसी किया था, मेलसी जी, मेलसी चूंकि जगह नहीं थी, टाइम नहीं था हमारे पास, वो उसकी वजह तस्मिया में हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम लगा नहीं सके कि ये संस्कृत ही की वजह है कि जहां किसी जगह का हवाला, किसी खास चीज का हवाला दिया जा सके, वो सी लगा देते हैं, याद है ना, मेल सी सी तुलसी, आपने बताया था तुलसी, किसी खास चीज, तुल जैसा, मेल जैसा। और मुझे तो लगता है कि पतीसा जो है ना, उसका ताल्लुक भी इसी से है। वो भी ये पतीसी, वो भी पतीस, बत्तीसी, बत्तीसी, उसकी एटिमोलॉजी पत्ती सा ही है, लेकिन पत्ती सी का उससे क्या ताल्लुक है, ये मेरा ख्याल है। फरंगे आसफिया खामोश है, शुक्र है सर, फरंगे आसफिया खामोश। एक तीसरा लफ्ज भी आ रहा है बांदर जी। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, वे तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। ये साथ कहंदे या साग कह रहे हैं? मैं तो साग ही लखण दे साथ पिया। ये गाना जब मैं अपनी महबूबा को सुनाया करता था ना, हाय हाय ओ पुत्र जांदी सी ओ फिर किला दड़ा के दौड़। जब महबूबा को सुनाते थे उस पे क्या बीतती थी? आप यकीन जानिए कि कई दफा ऐसा हुआ है कि उन्हें टोड़ मारे हैं। कहीं घुमाने लेके जाते थे उसे? मैंने ये तो मैंने बड़े मतलब हिल स्टेशन पर कई दफा हम लोग गए। हाय हाय, जब आप हिल स्टेशन गए हैं तो महबूबा को किसी ट्रक पे लाद के लेके गए या डाला करवाया था आपने? मैं खुदा की कसम जिन्ना तोड़े हथो जलील होना ना। मेरे आप अपने आप से जलील हो रहे हैं, उठा रहे आप अपनी वारदात इश्किया बयान क्यों कर रहे हैं पब्लिकली? एक मिनट बैठ, नहीं वैसे बताइए, एक मिनट भैया तेरी मेहरबानी,
एडी पुरानी काटराई पाई तू। कोचिन हजरात, हमारे एक दोस्त डॉक्टर तारिक अमीन यूके से तशरीफ लाए हैं और इनकी वजह शोहरत तो यह है कि ये आई सर्जन है, लेकिन उसके साथ साथ गायकी का शौक रखते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, फ्लूट, सैक्सोफोन, क्लारिनेट, ये इनका इवेंट है, और उसके साथ साथ बड़े अच्छे पायलट भी हैं। इन्ने सारे काम तुसी सीखे ने, कोई एक काम तुहाडे कोल सही नहीं सी हुंदा पिया? अभी मैं मजीद ढूंढ रहा हूँ कि और क्या कुछ रह गया है, वो भी मैंने करना है। हुण घरां च काम करो। इन्ना कुछ करदे डॉक्टरी केड़े टाइम करदे ने, जिदे सुते हुंदे ने ना। कोचिन हजरात, आज से हम एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं, इसे व्हील्स विद इन व्हील्स कहा जा सकता है, क्योंकि नसीर भाई के चैलेंज के दौरान हम ये किया करेंगे वंस अ मंथ या जब भी कोई बरूने मुल्क आबाद पाकिस्तानी जो खबरनाक का फैन है, जिस तरह डॉक्टर तारिक अमीन है, और गायकी से भी ठीक ठाक इलाका रखता हो और परफॉर्मर भी हो, उसके लिए एक सलाह आम है कि आप आए और एक अंतरा एक अस्थाई म्यूजिक के साथ हमें जरूर सुनाइएगा। हम इस सेगमेंट का नाम रख रहे हैं अधूरा गीत। वाह वाह। इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसके पीछे रैशनल क्या है, ये हम किसी और शो पर उठा रखते हैं, किसी दिन तफसीली बात करेंगे, आज वक्त पहले ही हमारा। जी जनाब, आप पेश करेंगे। वेलकम बैक। खुदी नजरात, फिल्म का नाम है अत खुदा दा वैर। ये नगमा और हबीब की यादगार फिल्मों में से एक थी, नहायत खूबसूरत कंपोजिशन बख्शी वजीर की, गाया मैडम नूर जहां ने, और पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। जी
खूब जी, बहुत खूब, एक्सेलेंट। वेलकम बैक जी जनाब। खबर है कि अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में 50 साल खातून ने एक घंटे में 3 बैंक लूट लिए, पुलिस पकड़ने में नाकाम। क्या बात है, इन्हें कहते ने कारीगरी, बड़ी मेहनत वाली डाकू, अभी घंटे जो 3। पता उसने किया क्या, एक बैंक में दाखिल हुई है और एक चिट पे लिख के कि मेरे पास गन है लोडेड जी, और सारे पैसे इस बैग में डाल दो वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो ऐसा बुजदिल था बेचारा कैशियर, उसने फटाफट सारा कुछ उसमें डाल दिया। कैशियर सलीम हो गई होना। नहीं नहीं, बड़ा दहूश है। अच्छा सर, सबसे अच्छी हैंडगन दुनिया में कौन सी है इस वक्त, इसकी शान नजूल क्या है, क्यों पूछ रहे हो मुझसे? सर डाका का ना पिया गन नहीं पहनता यार, डाका और जलेबी है ना मारने। बहुत सारी गन्स है बड़ी अच्छी अच्छी। आपके पास कौन सी? मेरे पास काफी सारी अच्छी गन्स है। आपके पास उनकी लाइसेंस है जी? और मैंने लाइसेंस के बगैर रखी होगी। तो कौन सी आपके पास गन? मेरे पास, आप नाम ले, मेरे पास होगी वो सिग हैंड गन्स में, सिग बहुत अच्छी, जो लेटेस्ट एडिशन है मेरी गन कलेक्शन में। एडी की खासियत है सिग? तुमसे मुतल्लिक बात ही नहीं है। आओ सर दसो ना कि घोड़ा ना पिए शीशे निकल आंदे ओदे साइड। घोड़ा क्या होता है यार? सर घोड़ा ही होता है या सिग च बकरी लगी है? ट्रिगर कहते हैं उसको, ट्रिगर। सर उर्दू में तो घोड़ा कहते हैं, पंजाबी में घोड़ा कहते हैं, उर्दू में लबलबी कहते हैं। हेलो, बंदा किसी से सिखा रहे हो, ऐसा करो ऐसे, तुम गन पकड़ो और ये लबलबी दबाओ। सारे ने एक बैंक से लुटे, अगले च भी जाके पर्ची दी, यही कुछ किया, वहां भी ये पर्ची दी। वाह जी वाह। लेकिन तीसरे में जब करके आई है तो वहां अपना कार्ड छोड़ आई, वो टैग जो होता है ना, वो वहीं रह गया। अब वो पुलिस के हाथ लग गया, पुलिस ने छापा मारा लेकिन घर से भाग चुकी थी वो इस वक्त आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। आफ्ताब साहब, ये अमेरिका में पिछले दिनों 2 मूवीज आई थी अगर आपको याद हो, क्वीन लतीफा की, एक सेट इट ऑफ और दूसरी का नाम था मैड मनी। लड़कियों के साथ ना एक ग्रुप बनाती है और माफिया का, माफिया और वारदातें करती है, इसी तरह डकैतियां करती है। जैसे ये ग्रिसेल्डा ब्लांको है, वो वहां की गॉड मदर कहलाती है और माफिया, उसके ऊपर फिल्म बनी द गॉड मदर और द लेडी ऑफ माफिया है। जी 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 जी। वो बचपन में अगवा हो गई थी, तशद्दुद का निशाना बनी, मनुष्यात के बिजनेस में आई, कोलंबियन थी, कोलंबिया से जी। तो 80 मिलियन डॉलर मंथली कमाती थी वो एक गरीब नादार बेसहारा लड़की, अमेरिका आकर मनुष्यात से। बड़े बड़े मर्डर्स करवाए उसने, बड़े बड़े क्राइम्स करवाए, तो वो तो जिस तरह अल कपून नहीं था जी, ये उसका फीमेल वर्जन थी। सर ड्रग्स का बिजनेस अमेरिका में सबसे ज्यादा कहाँ होता? मायामी, फ्लोरिडा। तो ये औरत जिसने डकैतियां की हैं, ये कहाँ की थी सर? ये ओक्लाहोमा, सुन नहीं रहते, ओक्लाहोमा की है। सारे भी कितने नजदीक ही है, मियामी स्टेट दे लागे कितने। मियामी स्टेट किसने कह दिया? मियामी स्टेट नहीं है। अच्छा जी, ये फ्लोरिडा रियासत है जिसका शहर है मियामी। जिनी डिटेल तुम पता ना, तुसी इस औरत दे साथ ही निकलना। मैं गया हूँ ओक्लाहोमा, बहुत खूबसूरत रियासत है। सर आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत फिरे हैं। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है मैं फिरा हूँ, और बहुत शौक है मुझे, और फिरना चाहिए। इसको इसको कहते हैं वांडर लस्ट, ये जो फिरते रहना, सैर सपाटे में रहना। साढ़े सियाने आवारा गर्दी कहते। सर तुम जफर साहब से कितने पैसे खराब किए? फिर मैं जफर साहब के नहीं, मैं पल्ले से करता रहा हूँ। सर फ्लोरिडा की और कोई खसूसियत? यार हम फ्लोरिडा डिस्कस करने बैठे हुए हैं। डकैती साढ़े घर हुई है जी। ये फ्लोरिडा नहीं, ओक्लाहोमा हुई है। ना नहीं लगता सर, ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा। सर इन्हें ना भी गल कर लो, सवेर तक मसाला ला के रखे है। हाँ भाई, तुम कौन लोग हो? टॉक टू मी? नो नॉट टू यू। वो पीछे कौन बैठा है वो बताए सर? मैं तो अंदसना, असल गल हुई की है। ए ओथे भी मिठाई है, ए तो लगता डाका सांगले पे आके। तुम कहाँ के रहने वाले हो? हाँ हाँ, ओक्लाहोमा दा, और मैं किथे जड़ा ले दा जी। अच्छा ओक्लाहोमा क्यों? जी जी, ए जिहड़ी कुड़ी है ना, ए डकैत आफताब साहब। अच्छा। ते ए कैशियर है संडा जिहा। इन्होंने आके एक चिट लिख के इन्होंने दी है कि फौरी मैं दे दे जो कुछ तेरे को ले गए, मेरे को लोड गन ने। अच्छा। पाए ने डे शरीफ निकले ने, चुप करके सारा कुछ देता है ने, संडा सिफत आदमी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं असल च दोस्त है इन्हों का। किसका? इस लड़की का? हाँ हाँ, की कह रहे हो आफताब साहब, ए मेरे दोस्त ने, बड़े अच्छे फ्रेंड, ए भी मेरे तरह दे ने। कैशियर यार, लगता बैंक च भांडे धोंदा और अपने ही धोंदा, दूसरे नहीं धोन देंदे।
अच्छा भाई आप बताएं क्या हुआ था। मैं दसा ये दसे नहीं यार आप बताएं, आप बताएं। असल गल पता की हुई, ए पिछे बैठा ना टोनी, ए कदी कदी मैंने मिलना आंदा बैंक, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा लग रहा है वो। हाँ ते मैं इहदे ध्यान लगाया सा ते इहने मैनूं कितें चिढ़ दित्ती लिख के, कहण लगी कि सारा कैश इकट्ठा करके ते थैले च पा दिओ, ए मेरे को गन ने ते डरदा ते की ना करदा। ये वाकई कैशियर है, 14-15 साल दी सर्विस है बैंक दी मेरी। जदों खाने दी ब्रेक हुंदी ना दोवें नचदे ने उत्थे। अच्छा आफ्ताब भाई इफ यू अलाउ मी, मैं FIA में भी रहा हूँ और वजीर दाखला भी रहा हूँ, मैं इसे जरा इंटरोगेशन कर लूँ। इस लड़की से या कैशियर से? लड़की से, लड़की से। कैशियर से आप खुद पूछ लेना। हाँ जी करें। अच्छा यू यंग लेडी टेल मी व्हाट्स द मैटर। की पूछना है, केड़ा मैटर? आफ्ताब भाई आप ही पूछें। नहीं नहीं आपको बड़ा शौक था, FIA में भी रहे हैं आप, मिनिस्टर भी रहे हैं, जरा बात कीजिए। रहा हूँ नहीं, अब आप पूछें प्लीज। अच्छा तुम्हारा नाम सिंडी है जी? ये नाम सिंडी है, ये नाम संडा है जी। यार बाकी कैशियर मेनू की पता, मेरा साला लगता इन अगर गोली बज जाती ना बैंक जी चिकड़ चिकड़ हो जाए। ये मिली भगत है जी? कोई साड़ी कोई मिली भगत नहीं है, खाम खा पुछ लो भावे, सातक से साड़ी लैन का बंदा ही नहीं। इनी डकैती की तू, कैसीनो च जाके पैसे हर जाने सारे। बस ठीक है, जिंदगी नु एंजॉय भी करना चाहिदा है, केड़ी जिंदगी है? नहीं आपड़ी ते एंजॉय करदी भी, सानू ते अज़ाब च पाता ना। ओए जिंदगी बड़ी मुख्तसर और बड़ी खूबसूरत है, कैसीनो हर बंदा जा सकदा है। ओ वेखो ना तुसी कदी गए हो कैसीनो? कौन हसे ओ यकीनन कौन गए कैसीनो? आफ्ताब साहब दी गल कर रही हां, एवी नहीं पूरे अमरीका दी सैर हुंदी जद तक कैसीनो ना जाओ। माइकल को सैंडविच नहीं मिलेंगे यहां से? ले मेरी कंटीन है, खुश रहा जी है। अपने बाजी जो एक बैंक बाजी की नु क्या ही होए? अच्छा साधक जो तू एक बैंक लुटे है। ए सैंडी पूरा नाम लो, सैंडी सपा वाली। साधक जो तू डकैती की थी तू रक्षे से गया से। अच्छा कोई वेजिटेबल सूप नहीं मिलेगा इतो किधरों? तेरा ऑपरेशन होया पुत्र। वैसे ये रियासत है मुतहदा अमरीका के बजाय को मकामी लकुंदरी लग रही है मुझे। ते जे तू ये गल सिद्धी कर देंदा अमरीका बस रियासत हाय दर्द अमरीका। अच्छा हाय का दर्द से कोई ताल्लुक? ये वो दर्द वाला हाय नहीं है। नहीं तू सादी गल कर कहदे भी अमरीका दी नहीं लग रियासत हाय दर्द अमरीका। अमरीका बर्रे आजम भी है, दो अमरीका है, शुमाली अमरीका जनूबी अमरीका। बाकी लकुंदरी की होता है वे जड़ा मैंने किया है? लकुंदरा यही होता है जो आप करती फिरती है की बांदरपुणा। यार बाकी कैशियर तू इत्थे बैठ, मैं ओदे नजदीक तो पता करके आऊंगा। माइकल ये तो फजूल बातें हैं, को फास्ट फूड मंगवा लो। ले ते मैं पिछले दी शुगर लो हो रही और माइकल दे सेक ना हो रही है। पिछला तो लगदा फुफी दे घर आया। सर जरा गौर ना वेखो, ए माइकल जेड़ा है मार्लन ब्रांडो दी अम्मी नहीं लग रहा? उसकी अम्मी नहीं, गॉडफादर में जो उसकी बीवी का रोल जिसने किया है उसका गेटअप ऐसा ही था। वो दी बीवी दी चड़ी माज सी। माइकल छड़ फिर सारियां गल्लां हदवाणे ही मंगवा ला यार। सालिया कड़ी तेरे प्यो दी रेड़ी लगी है। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थे। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरावाला के एक कॉलेज में फंक्शन के दौरान लड़कियों को छेड़ने पर लड़कों की चित्रौल। वैसे देखो किड्डी बुरी गल, क्यों छेड़ते ने मुंडे कुड़ियां नु? दसो तुसी भी सारी जिंदगी छेड़ते ही रहे हो। मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। तुसी लड़कियां नु छेड़ते हो? नहीं लड़कों भाई, एक डिसेंट तरीका होता है कोई बात कर, अगर आप किसी की अट्रैक्शन। अच्छा पढ़े लिखे से आप है? वो कहना चाह रहे हैं अगर किसी की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं आप तो उसके बड़े मुरव्वजा अच्छे अच्छे तरीके भी हैं। ये चीप होना, छछोरा होना, वन विलिंग करना यही जरूरी नहीं होता, और बड़े तरीके हैं। ना प्रोफेसर साहब आपने ना कभी किसी लड़की को छेड़ा है ना किसी लड़के को छेड़ा है, आप खुसरे छेड़ते रहे। और नहीं ये आपने वैसे अपने जैसी बात की है। बिल्कुल अपने जैसी। आप सिर्फ इस बात का हिसाब दें कि आप 20 साल के अंदर अंदर अरब खरब पति कैसे हो गए। ऐसे ऐसे आपको पता है कि इस तरह अमीर होना ये दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर आपने बेईमानी करनी है जी, अगर अपनी सोल बेचनी है, इंसान के पास सबसे कीमती असासा उसकी रूह है, उसकी सोल है। अगर उसने डेवल को वो बेच दी तो उसके बदले में डेवल उस पर इनायात की भरमार कर देता है। तो बहुत आसान है।
आप अपनी सोल बेचे बगैर अमीर होकर दिखाएं असल कमाल ये। ऐ गल्लां ते हुंदियां रहणगियां अफताब साहब, ओ बैठे जे जिन्हां नूं छित्र पए औरतां कोलों। ओए बात सुनो आप दोनों कौन है पहले ये बताइए जो फ्रंट पे है। सर इन्होंने मुझे छेड़ा था, मैंने और इंतजामिया ने मिलकर इनको मारा है और इसने भी मारा है। इसने क्यों मारा फिर? इन्हू असी छेड़िया नहीं सी। अच्छा ये भी स्टूडेंट है वहां की? हाँ तो स्टूडेंट ही है, और मैं काली दी बस चलाउनी है। वैसे जैसा आपका जुस्सा है ना जी, आपको बस नहीं बुलडोजर चलाना चाहिए। आप झुकते ना करें, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है? अच्छा जी प्रॉब्लम है क्या? ये बहुत सीनियर स्टूडेंट है सर। अच्छा ये टीचर है ना भी सीनियर। बढ़ के कॉलेज जो मजदूर लगे सर भी नाल इटा फड़ा रहे थे। सर इन्हें तो कायम अली शाह ने मैटर कट्ठिया किया सर। यार मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, वैसे लग नहीं रहा ये स्टूडेंट है। सर कायम अली शाह ने अगे भी पढ़ना सी तो डर गया सी। अच्छा पहले तो ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं किस चक्कर में? बीएससी कर रहे हूं मैं। तो फेल होती चली जा रही? क्यों तो फेल पास विच ही हुंदा, हो की लैदा हुंदा। इन्हें फेल होने च पीएचडी कीती है जी। जनाब मैंने इस किस्म दी मेरे लत मारी, मैं 3 घंटे तार ते बैठा रहा। बाजी को देख के सीटियां बजा रहे थे। वो सीटियां ते तैनू वेख के बजाईयां सन, इनू वेख के तो वड्डा बाजा बजाया। हालांकि सानू ढोल बजाना चाहिए था। अच्छा हुआ क्या था मुझे मुख्तसरन बताओ। सर हुआ ये था, हम कॉलेज के पास खड़े थे। अच्छा। इस लड़की ये जो खूबसूरत सी है। अच्छा। इसको मैंने पूछा, मैं क्या हो रहा है? कहती आज एनुअल डे है। अच्छा। फिर मेरा ध्यान ये दिल पिया, मैं क्या ये एनुअल डे नहीं है, एनिमल डे है। असल में पता पार्टी हो रही थी तो दीवार के ऊपर से ये दोनों देख रहे थे। उस वक्त मैं परफॉर्म कर रही थी चिट्टियां कलाइयां। सर जेडे असि जख्मी होए कसोना नाल नहीं होए। अच्छा। अब बाजी दी परफॉर्मेंस नाल होए हैं। वो कैसे क्या हुआ? जब नची है जी पहले तो कंध डिगी जी, असि खलोते। फिर वो तंबू डिगया जी, फिर इधर रेहड़ियां रूड़ियां लगिया भी उल्ट गई जी। बल्कि कॉलेज के सामने जी बिल्डिंग है उन्होंने छुट्टी देती। सर इन्हें मारिया ना जरा, मेरी अपनी गलती जी। क्या मैं इन्हू कह बैठा भी तुम कॉलेज के गन मैं बर्गर ही खादे 3 महीने से काम करते। और हुण जदों भी असीं डेट ते चलीए असीं अपने काम वाले कपड़े कर लैणे। मैनू तो बहुत वाटे प्रोफेसर साहब, मैं तो कहना दोवां दीयां टिंडां कर देनियां चाहीदियां, कुड़ियां नूं छेड़ देने। अगर गांव में इस तरह की हरकत होती है ना तो महज टिंड नहीं करते। हाँ जी। सबसे पहले टिंड करते हैं जी, उसके बाद मुंह काला करते हैं और फिर एक अच्छा सा गधा मंगवाते हैं। अच्छा सा मतलब केड़ा? उस पर बिठा के हाँ जी, फिर जूतों का हार गले में डालते हैं। सर अपने ईमान ना दसो, ये सारिया हरकत कुड़ी नूं छेड़न ते हुंदियां ने। हाँ जी। असि इन्हू छेड़े है। सर इस हिसाब ना सानू 2 दबके मारो बस असि जाइए। तुसी साडी बाजी नू वट्टे भी मारे ने? दूरों जानवर लगदी सी जी। कल स्वीटी स्वीटी कहंदे हुंदे सी इहनू। ये कब की बात है? सर सिकंदर यूनानी जिस दौर च आया सी ना, उस तो 2 साल पहले दी गल है। अच्छा जी माफी दे दियो, आइंदा तो नहीं, असि कॉलेज अगे आवांगे ही नहीं। कभी भी नहीं, तुम लोग थाने जाओगे। बाजी माफ कर दे बाजी, माफी हो जाएगी। तुसी दोवें इन्हां नू भैण कहो ते आइंदा गलती ना करना। खबरदार जे मैंने भैण किया ते बदतमीज है, ओ जे मेरे भरा हो सकदे नहीं तो फिर तुम लोग चाहती क्या हो? ए शादी करना चाहूंगा। अब दोनों में से किसकी बात कर रहे हो? मेरी बात कर रहे हैं और किसकी करनी? मैं पीछे लड़कों की बात कर रहा हूँ। यार मेरे हस्ते कुर्बानी दे, तेरी मेहरबानी, वैसे भी तेरे को महीना डेढ़ ही रह गए। तेरी खातर मैं कुर्बानी दे सकना पर एदे ना नहीं, एदे ना कर सकना। देखिए आप तब एक शर्त पे ये ना मैं इनको छोड़ सकती हूँ, कॉलेज में तो मैं बदनाम हो गई हूँ, इसके कहे मेरे साथ शादी करें। हेलो किससे? दोनों में से किसकी बात करें? ये इनके साथ जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, वो जो सूखा सड़ा है बेचारा। हाँ तो मैं शादी करनी, मैं लेंटर पाना है इतकलों। आज के शो का वक्त हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।